सरायकेला में करोड़ों की लागत से बने नवनिर्मित पुल में उद्घाटन से पहले ही दरार आ गई है। मामला चांडल का है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में 2017 में 18 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया गया था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल में दरार आ गई है। यह है भ्रष्टाचार का पुल। उद्घाटन से पहले ही पड़ चुकी है दरारें। 18 करोड़ की लागत से हुआ था पुल का निर्माण। चांडिल अनुमंडल के नवनिर्मित मानिक कुई पुल का है यह हाल। सरायकेला में करोड़ों की लागत से बने नवनिर्मित पुल में उद्घाटन से पहले ही दरार आ गई है। मामला चांडिल के मानितुई का है। पूर्व सीएम रघुवर दास के कार्यकाल में 2017 में 18 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण कराया गया था। कुछ दिनों पहले ही इस पुल पर आवाजाही शुरू हुई थी। इस पुल की खास बात यह है कि यह पुल अनुमंडल को जिला मुख्यालय से जोड़ता है। NH 3233 को 3 किलोमीटर पर जोड़ता है, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसका यह हाल कई सवाल उठा रहा है। निर्मित पुलिया जिसका अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है, लगभग पूरा हो चुका है और उसकी दरार अभी दिख रहा है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि इसमें भारी नियमितता है। आज हम लोग उच्च स्तरीय जांच करने की मांग कर। सड़क पुल पुलिया विकास को रफ्तार देती है, लेकिन यहां उद्घाटन से पहले ही पुल का जर्जर हो जाना साफ इशारा करता है कि मामला गड़बड़ है। न्यूज 11 भारत के लिए सरायकेला से सुदेश की रिपोर्ट।